हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज आपको इस वीडियो लेक्चर में ये बताऊंगा कि बायोलॉजी से इंटर पास करने के बाद हम किन किन क्षेत्रों में किस किस फील्ड में अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। आम तौर पे बच्चे समझते हैं कि अगर हमने इंटर बायोलॉजी से किया तो सिर्फ डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं बन पाएंगे, डॉक्टर बनने में बड़ा पैसा खर्च होता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डॉक्टर बनने में भी पैसा उनका खर्च होता है ज़्यादा जो कंपटीशन पास नहीं कर पाते। जो कंपटीशन पास कर लेते हैं, गवर्नमेंट सीट में जाते हैं, उनका कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि इंटर को पास करने के बाद बायोलॉजी स्ट्रीम से हम किन किन लाइन्स में जा सकते हैं, उसको मैं शॉर्ट में स्टडी करूँगा, शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिए, ये इंटर पास किया आपने, इंटर पास हो गया, इंटर पास स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी से हैं, ये कहाँ कहाँ अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। पहले तो मैं जो रूटीन चलता है वो बताता हूँ आपको। मैं इंटर पास करने के बाद आप बीएससी कीजिए, सिंपल। बीएससी के बाद एमएससी कीजिए, सिंपल। एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कीजिए, ठीक है। पीएचडी के बाद दो लाइनें खुलती हैं, एक तरफ आप बन जाते हैं साइंटिस्ट और एक तरफ बन जाते हैं आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स, ठीक है। देखिए, जिन बच्चों ने बायोलॉजी से इंटर पास किया है वो बीएससी कर सकते हैं, सिंपल वाली। फिर उसके बाद एमएससी कर सकते हैं वो जूलॉजी से या बॉटनी से, है ना। इसमें जा सकते हैं आप, जूलॉजी ले सकते हैं या फिर बॉटनी ले सकते हैं। उसके बाद वो पीएचडी करें, पीएचडी करने के बाद साइंटिस्ट बन जाएं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर या डिग्री लेवल पर प्रोफेसर बन जाएं। एक लाइन तो आपकी है। दूसरी लाइन ये है कि इंटर पास करने के बाद आप अगर मैनेजमेंट लाइन में जाना चाहते हैं तो बीबीए करें, और बीबीए के बाद फिर आप एमबीए कर सकते हैं और मैनेजमेंट लाइन में जा सकते हैं, या हम पीजीडीएम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये दूसरी लाइन मैंने आपको बताई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लाइन है। देखिए, इसमें बीबीए किया आपने, फिर एमबीए किया या पीजीडीएम कर लेते हैं आप, ठीक है। इसके ऑब्लिक में क्या है, पीजीडीएम के कोर्स हैं, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। बीएससी के बाद मान लीजिए आपने यहाँ पे बीएससी किया तो फिर आप एलएलबी कर सकते हैं और अपना फ्यूचर लॉ डिपार्टमेंट में आजमा सकते हैं आप, ठीक है। या आप यहाँ से एलएलएम कर लें तो एलएलएम करने के बाद या एलएलबी के बाद आप पीसीएस जे कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप जज की लाइन भी आपकी खुल जाती है। देखिए, आपने बायोलॉजी से इंटर किया, उसके बाद बीएससी करी, एलएलबी कर लें, एलएलबी के बाद आप पीसीएस जे दें और जज बन सकते हैं। कुछ जगह इंटर के बाद सीधे एलएलबी भी हो जाता है, वो 5 साल का होता है और उसके बाद वो पीसीएस जे में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन आपकी ये खुली हुई है, यहाँ पे क्या है, पीसीएस और जे बन सकते हैं, इधर जा सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने आपको अभी वो लाइन्स बताई जो नॉन मेडिकल की लाइन है, ये नॉन मेडिकल्स में है ना। अब हम दूसरी लाइन में देखते हैं कि आप बीएससी करें और बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब हैं, जैसे है ना, बैंक में हैं बहुत सी पोस्टें, रेलवे में हैं, ठीक है, या कलेक्ट्रेट में हैं, जैसे क्लर्क की पोस्ट है, तो इस उसमें डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम होते हैं समोगा के, है ना, उसमें आप इसमें अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं, ठीक है। इंटर बायोलॉजी करने के बाद
आप बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा के बाद एम फार्मा करें, एम फार्मा के बाद आप आगे पीएचडी भी कर सकते हैं, अपनी मेडिकल फर्म खोल से अपनी मेडिकल फर्म खोल सकते हैं आप, मेडिकल लाइसेंस मिल सकता है आपको, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ये एक लाइन अच्छी लाइन है जिसका स्कोप इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लेता हूँ मेडिकल की, जो मेन है। मेडिकल की लाइन में अगर हम देखें तो बेस्ट है MBBS, है ना, हम इसमें MBBS लेते हैं, ठीक है। MBBS आप नीट के थ्रू जाते हैं, मतलब ये लाइन जो चल रही है हमारी अब चल रही है नीट के थ्रू। आप इंटर के बाद नीट की कोचिंग करें, नीट को पास करें, उसमें रैंक लाएं और MBBS या इसके बाद BDS हैं या और कोर्स भी हैं, जैसे BAMS हैं, ठीक है, BHMS हैं और BUMS हैं, ठीक है। ये सारी डॉक्टर्स की लाइन है। इसके अलावा एक लाइन और है BVSC, आप इसमें BVSC में भी जा सकते हैं। ये कैटल्स के डॉक्टर्स होते हैं, पेट एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं ये, ठीक है। देखिए मैं नीट पास करने के बाद अब इसमें जा सकते हैं। नीट पास करने के बाद जैसे एम्स है, आर्मी का आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं, उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी मेडिकल लाइन्स में अगर हम देखें, इसे एक ब्रांच निकालते हैं मेडिकल की, इसी की, ठीक है। तो इसमें BSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। BSc नर्सिंग के अलावा और भी हैं, जैसे नर्स के कोर्स हैं GNN और ANN, GNN और ANN, ठीक है। इसके बाद हम जा सकते हैं पैरामेडिकल कोर्स में, है ना। अगले लाइन हमारी कौन सी होगी, पैरामेडिकल की। देखिए पैरामेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्स, पैरामेडिकल्स में PPT है, फिजियोथेरेपी, BPT के बाद हम MPT कर लेते हैं, BMLT है, ठीक है, ये लैब्स पैथोलॉजी का काम होता है, BMLT कर लेते हैं, फिर MLT कर लेते हैं, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स जैसे ऑप्टिक मीन्स आईज में, है ना, डेंटल मीन्स दांतों में, ये डेंटल कोर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर, है ना, के कोर्स हैं, ऑपरेशन थिएटर के कोर्स हैं, ये पैरामेडिकल में आते हैं। फिर सुनिए आप, देखिए BMLT है, BPT है, डिप्लोमा ऑप्टिक का है, डिप्लोमा डेंटल्स का है, है ना, रेडियोथेरेपी का है, रेडियोलॉजी का, ऑपरेशन थिएटर का कोर्स है, ये सब पैरामेडिकल कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक लाइन और हमारी खुलती है, उसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, मतलब इंटर के बाद BSc बायोटेक, फिर MSc बायोटेक, BSc और फिर MSc बायोटेक और फिर PhD, ये भी क्लाइन करती है, ठीक है। इंटर बायोलॉजी करने के बाद बायो BTech कोर्स कर सकते हैं आप, बायो BTech का भी कोर्स किया जा सकता है। ये ब्रांचेस हमारी इंटर बायोलॉजी करने के बाद खुल जाती हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किन कोर्सों में जा सकते हैं। पैरामेडिकल में और कोर्सेज भी हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इन ब्रांचेस के अलावा आप आर्मी में जा सकते हैं,
टूरिज्म डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और सिविल सर्विसेज के रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप पीसीएस और आईएएस का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये ब्रांचेस तो हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल स्टडी करते हैं तो पीसीएस है, आईएएस है, आर्मी की जॉब है, पुलिस की जॉब है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जा सकते हैं। एक डिपार्टमेंट मैं आपको और बताता हूँ जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। आप फॉरेंसिक लैब में भी अपने फ्यूचर को आजमा सकते हैं। ठीक है, इन सब के बाद बिजनेस तो आपके लिए खुला हुआ ही है, कोई सा बिजनेस करें आप। ठीक है, थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।